हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जिसको लिखा है डब्ल्यू बी इट्स ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू बी इट्स यानी हमारे जो पोएट है उनके बारे में जान लेते हैं। विलियम बटलर इट्स, यानी कि डब्ल्यू बी का फुल फॉर्म है विलियम बटलर इट्स, जिनका जन्म जो है वो 13 जून को हुआ था 1865 डब्लिन आयरलैंड में, और उनकी मृत्यु जो है वो जनवरी 28, 1939 में हुआ था। ये एक आयरिश पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, प्रोज राइटर हैं, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज के जो है ये क्या है, पोएट है 20th सेंचुरी के, यानी कि 20th सेंचुरी में इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा पोएट्रीज लिखी थी, तो ये बेस्ट पोएट्स में से एक है। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923, यानी कि इनको नोबेल प्राइज मिला था इंग्लिश लिटरेचर में 1923 में। सो अब इनकी पोएट्री की अगर बात करें, स्पेशली द वॉल्यूम ऑफ द वाइल्ड स्वैंस एट कूल 1919 में इन्होंने लिखा था। फिर जितने भी इन्होंने लिखे हैं ना, द डांसर 1921 में, द टावर 1928 में, द बाइंडिंग स्टेयर एंड द अदर पोएम 1933 में, द लास्ट पोएम एंड प्ले 1940 में इन्होंने लिखा है। तो इन सब चीज़ों ने ना इनको बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 20th सेंचुरी का क्या बना दिया, पोएट बना दिया इंग्लिश राइटिंग में। अब अगर हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन का बात करें, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, तो देखते हैं विलियम बटलर ने जो है ये रोट किया यानी लिखा है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वाइडली एंथोलॉजिस्ट वर्क इन 1888, द पोएम गेट इट्स टाइटल फ्रॉम अ वेरी स्मॉल अनहैबिटेड आइसलैंड दैट सिट्स इन लफ्सगिल लेक इन इट्स होम काउंटी ऑफ स्लीगो आयरलैंड द स्पीकर ऑफ दिस। देखो ये जो बोला गया कि जो विलियम बटलर इट्स है, इन्होंने ये जो मतलब फुल का फुल जो पोएम है ये टाइटल पे लिखा है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्रीज। तो ये जो मोटिव है इनको मिला कहाँ से, ये पोएम का नाम लिखने का, एक इनिसफ्रीज नाम के एक आइसलैंड से यानी कि एक द्वीप से, तो वही है। तो इन्होंने ये जो है लिखना कब शुरू किया, 1888 में, तो वो दिन भी दिया, मतलब वो सिंस भी दिया है कि इन्होंने कौन से ईस्वी में इन्होंने ये पोएम को लिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। पेस्ट्रोल पोएम लॉन्ग्स टू बिल्ड अ सिंपल लाइफ ऑफ इनिसफ्री, फाइंडिंग पीस थ्रू कम्युनियन विद नेचर, हाउएवर इट कम क्लियर दैट टाइज टू सिटी लाइफ प्रिवेंट द स्पीकर फ्रॉम रियलाइजिंग दिस ड्रीम, द यंग पोएट फिक्सेशन ऑन क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड आयरिश आइडेंटिटी इज फेल्ट इन दिस पोएम विच ऑल्सो कंटेन द सॉर्ट ऑफ एथेटिक लैंग्वेज दैट ही वुड लेटर Abdona and Decry following on ABAB rhyme theme and loosely embarrassing meter, the poem's seemingly neat, concise structure belies its complex network of rhythm and sound which are responsible for much of its विसराइल इम्पैक्ट एंड इंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी। तो क्या बोला है कि इस फुल के फुल पोएम में ना एक तरीके जो लेक ऑफ इनिसफ्री है, एक तरीके से पोएम पोएट जो है ना इस पोएम में चाहते हैं कि वो एक ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे वो नेचर के साथ जुड़ पाएं, जहाँ पे वो उनको पीस वाला एटमोसफेयर मिले, क्योंकि ये जो जहाँ पे वो इन्वायरमेंट में वो जी रहे हैं वहाँ पे इतना पीस उनको नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से जो पोएट है वो फाइंड करना चाहते हैं, एक ड्रीम वाली दुनिया जीना चाहते हैं जहाँ पे उनको एटमोसफेयर जो है बिल्कुल पीसफुली मिले, जहाँ पे वो स्पिरिचुअलिटी खोज पाए, जहां पे वो धर्म से जुड़ पाए, जहां पे उनको मतलब एक पीसफुल वातावरण मिले। इनफैक्ट बस यही है पूरे पोएम में। और साथ में यहां पे जो है वो कुछ कुछ चीजें लिख दी गई हैं कि कौन सा राइम में ये लिखा गया है, क्या थीम है, ABAB राइम में ये लिखा गया है, तो एक पोएम का लिखने का तरीका होता है, तो वो सब राइम इसमें मेंशन किया गया है। तो अब जो समरी है उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में हमको पता चल पाएगा। तो इंट्रोडक्शन हो गया, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की समरी देखते हैं। द स्पीकर एक्सप्रेसेस एन इंटेंशन टू गेट अप एंड गो टू अ स्मॉल आइसलैंड इन आयरलैंड कॉल्ड इनिसफ्री। स्पीकर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इंटेंशन को और कह रहे हैं कि मैं उठूंगा और कहां जाऊंगा, एक स्मॉल आइसलैंड पे, एक स्मॉल द्वीप पे, जो कि कहां पे है, आयरलैंड में है, जिसका नाम क्या है, इनिसफ्री। ऑन द आइसलैंड द स्पीकर विशेस टू बिल्ड अ मोस्ट कैबिन, मॉडेस्ट कैबिन आउट ऑफ क्ले एंड बंडल्ड विंग्स। तो बोले कि वहां पे जाने का तो वो चाहते हैं कि क्या बनाएं, एक कैबिन को वो बिल्ड करें वहां पे, ठीक है, किसका, क्ले का कैबिन बनाएं। द स्पीकर होप्स टू प्लांट 9 रोज ऑफ बीन्स इन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो जो स्पीकर है उनका क्या प्लान है कि वो 9 रो में क्या करे, बीन्स यानी फलियों को जो है वो क्या करे, उगाएं। अ क्लियरिंग विच विल बज विद द साउंड ऑफ हनी बीज टेंडिंग टू अ नियर बाय हाइव, यानी हाइव यानी जो मधुमक्खी के छत्ते के पास जो हनी बीज है ना, मधुमक्खी है ना, उनके आवाज से वो फलियां जो है जो 9 रोज में लगी हैं वो गुंजित हो जाएं।
अब सेकंड पैसेज में वो कह रहे हैं द स्पीकर बिलीव्स दैट दिस सीटिंग प्रॉमिसेस पीस. तो जो स्पीकर है उनको ये बात का बिलीव है, विश्वास है कि जहाँ पे वो बैठे हैं वो बहुत यू नो एटमोसफेयर जो है वो बहुत पीसफुली होने वाला है. विच विल इमर्ज स्लोली एज द हैजी मिस्ट ऑफ द मॉर्निंग फॉल्स ऑन टू द अर्थ वेयर क्रिकेट स्क्रिप्ट. बोला क्या बोला है कि सुबह के धुंध में यानी कि मॉर्निंग जो धुंध होती है वो जो है वो पृथ्वी पे आकर जो है बहुत स्लोली स्लोली तरीके से गिरती है, और जहाँ गिरती है वहाँ पे कौन गुंजित होते हैं, जो वहाँ पे झिंगुर होते हैं ना, क्रिकेट्स का मतलब झिंगुर, जो झिंगुर होते हैं वहाँ पे वो गुंजित हो जाते हैं यानी कि चहचहाते हैं. तो सुबह की धुंधली धुंध जो है उस आइसलैंड पे, उस द्वीप पे जो है वो गिरती है, स्लोली स्लोली जो गिरती है, और जिस प्लेस पे गिरती है वहाँ पे जो है वो झिंगुर चहचहाते हैं. ऑन द आइसलैंड लाइट फ्लिकर्स ब्यूटीफुली इन द मिडल ऑफ द नाइट. रात के समय जो है वो बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुली जो नाइट जो है वो बहुत अच्छे से जगमगाते हैं. एंड ग्लोज विद अ पर्पल ह्यू एट मिड डे. और दिन के टाइम, मिड डे के टाइम जो है स्पार्कल्स जैसे पर्पल ग्लो देता है, और दिन के टाइम जो है वो स्पार्कल जैसे पर्पल रंग का जो है वो ग्लो आता है. वाइल टाइटल बर्ड्स फ्लटर अबाउट इन द इवनिंग. और जब छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना वो इवनिंग में बहुत इधर उधर उछल कूद करते हैं यानी कि उड़ते रहते हैं. अब थर्ड पैसेज की तरफ चले. द स्पीकर राइट्रेट्स and intend to get up and go to Innisfree explaining that all day and all night. The speaker imagines hearing the lake waves breaking on the Iceland shore as the speaker stand on road and other paved place that imagine takes sound resonates keep deep within the speaker's heart. बोला है अब स्पीकर इस बात को दोबारा दोहराते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं उठूँ और फिर से कहाँ चला जाऊँ, Innisfree को चला जाऊँ. और वो पूरा दिन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वहाँ पे वो डे को नाइट को कैसे जो है वो व्यतीत करते हैं. साथ में वो बोलते हैं कि उनको हर जगह जो है वो लेक की झरनों की आवाज़ ही आती रहती है. उनको ऐसा लगता है कि वहाँ की चट्टानों में भी यानी कि वो जहाँ खड़े हैं उस चट्टान पर भी उनको जो है लेक की ही वेव्स सुनाई देती है. एज अ स्पीकर स्टैंडर वो रोड पर भी खड़े होते हैं या कहीं किसी प्लेस पर भी खड़े होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसको सुनते हैं, अपने दिल जो है वो Innisfree के लेक को ही यू नो महसूस करते हैं, इमेजिन करते हैं. अब अगर थीम देखा जाए इस पोएम का तो सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम यानी द लेक आइल्स ऑफ Innisfree का, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऑफ Innisfree रिवॉल्व अराउंड द स्पीकर डिजायर ऑफ अ सिंपलियर मोर ट्रैंक्वाइल लाइफ इन हारमोनी विद नेचर. द पोएम कन्वे अ यर्निंग फॉर एस्केप फ्रॉम द हस्टल एंड बस्टल ऑफ अर्बन लाइफ टू फाइंड पीस एंड सॉल्यूट्यूड ऑन द सेक्युलेटेड आइसलैंड ऑफ Innisfree थ्रू विविड इमेजरी एंड सिंसियरी डिटेल. द पोएट एक्सप्लोर द थीम ऑफ नेचर सिंप्लिसिटी एंड रिस्टोरेटिव पावर ऑफ अ कनेक्शन विद द नेचर वर्ल्ड. द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ यूनिवर्सल लॉन्गिंग फॉर अ रिट्रीट टू अ प्लेस ऑफ क्विट contemplation and a return to a more harmonious existence. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो poet है वो revolve कर रहे हैं इस पूरे के पूरे poem में, जो main theme है उसमें poet जो है वो किस में revolve कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं में revolve कर रहे हैं. उनकी इच्छा है कि वो द्वीप पे रहें, आइसलैंड पे रहें, Innisfree पे रहे, और उनकी ज़्यादा ज़्यादा इच्छा नहीं है, सिंपल जिंदगी जीना है, व्यतीत करना है, नेचर के साथ जुड़ना है, साथ में जो है वो हर तरीके की वो पीसफुली एटमोसफेयर में वो रहना चाहते हैं जो Innisfree पे शायद उनको मिल जाएगी. तो वही वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो थीम में बस देखा जाए तो एक सिंप्लिसिटी है, नेचर है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि पोएट जो है वो नेचुरल वर्ल्ड से जो है वो क्या होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि वो शोर शराबा भीड़ भरी दुनिया से बहुत दूर पीसफुली एटमोसफेयर में रहना चाहते हैं. तो इसी के साथ ये हमारी पोएम द लेक आइज ऑफ Innisfree खत्म होता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, share and subscribe my channel and also follow me on my Instagram and Telegram, both ideas are available in description box. आपको जो है Telegram पे जो है ना इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.